यूपी में अगले दोनों चरणों के आम चुनाव पूर्वांचल की सीटों पर होनी है। यही वजह है कि तमाम पार्टियों के नेता अब अपने भाषण में भोजपुरी का तड़का लगा रहे हैं। वैसे तो चुनावी रैलियों में स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल अक्सर आपने प्रधानमंत्री मोदी को ही करते देखा होगा, मगर इस बार आजमगढ़ की धरती से डिंपल यादव ने जब भोजपुरी अंदाज में भाषण की शुरुआत की तो रैली में आए लोग खुशी से झूम उठे। दरअसल आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के लिए डिंपल यादव प्रचार करने पहुंची थी। वैसे तो डिंपल यादव को भोजपुरी भाषा पर पकड़ नहीं है, मगर आजमगढ़ की जनता को अपनापन का एहसास दिलाने के लिए डिंपल ने अपने भाषण की दो चार लाइनें भोजपुरी भाषा में लिखकर लाई थी। और जैसे ही उन्होंने भोजपुरी अंदाज में आजमगढ़ की जनता का अभिवादन किया तो ये लोगों को खूब पसंद आया। आपको बता दें कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ माना जाता है, मगर यहां पिछले लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। इस बार भी बीजेपी के निरहुआ का सामना धर्मेंद्र यादव से है, मगर इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहां खुद अखिलेश यादव तो चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं, साथ ही डिंपल यादव भी भोजपुरी अंदाज में भाषण देकर अपने देवर के लिए समर्थन जुटा रही हैं। हालांकि भोजपुरी अंदाज में डिंपल का ये भाषण आजमगढ़ के वोटरों को कितना साथ पाता है ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।